बॉलीवुड कॉकटेल। पिछले हफ्ते एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने ये कंफर्म किया कि वो अनुराग कश्यप की नेक्स्ट टाइटल फिल्म गुलाब जामुन में अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन के साथ नजर आने वाली हैं। और अब करंट रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की कास्टिंग को भी इंट्रोड्यूस किया है। TUI की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुराग कश्यप ने बिग बी को ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया है, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म और भी ज्यादा पावरफुल और बड़ी होने वाली है। बस तो ये भी है कि फिल्म गुलाब जामुन की स्टोरी तीन जनरेशन फैमिलीज की स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें र्यूमर है कि सीनियर बच्चन ऐश्वर्या या अभिषेक के फादर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तीनों ही स्टार की तरफ से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। या कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐश, अभिषेक और अमिताभ जी के प्रेजेंस को सिल्वर स्क्रीन में उनके फैंस बहुत ही पसंद करते हैं, जो अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस में हिट भी प्रूव होती आई है। कजरारे सॉन्ग में उनकी डांस परफॉर्मेंस को फैंस अब भी याद करते हैं। मीनवाइल 42 इयर्स के अभिषेक अपनी नेक्स्ट फिल्म मनमर्जियां में एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ नजर आने वाले हैं, जिसके ट्रेलर को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। वहीं 44 ईयर ऐश्वर्या राय की लेटेस्ट रिलीज फने खान भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हो, लेकिन ऐश्वर्या के रोल्स को सबने प्रेज किया है। 10 सालों के बाद ये ट्रायो कमबैक करने के लिए रेडी है। इससे ऑडियंस कितनी इम्प्रेस होती है ये फिल्म रिलीज या उनकी टीजर और ट्रेलर को देखकर ही पता हो चलेगा। फिलहाल यू स्टे ट्यून्ड। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू हैव एवरी सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल।